अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल होम और ड्रेस डिज़ाइनिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में हम लोग तकिए की फीलिंग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि आपने न्यू तकिया या आपने ओल्ड तकिए को अगर रीन्यू करना है तो वो आप कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको कॉटन चाहिए, उसके बाद ये आपको मोटा थ्रेड यूज़ करना होगा, नीडल्स बड़े वाली चाहिए होंगी और कोई भी रफ़ कवर्स जो आप यूज़ कर करके आपके तकियों के कवर ख़राब हो जाते हैं वो हम अनरफ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जो इसका इनर बनाएंगे उसके लिए आप ओल्ड वंस जो आपके पिलो कवर्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। एक स्टिक चाहिए होगी और इसके साथ साथ कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगी ये जो हमारी रज़ाइयाँ होती हैं उसकी आपको मुकम्मल डिटेल दूँगी कि हम किस तरीके से उसको स्टिच करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, पिलो बनाने चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ये देख लें आपने जो पिलो का बनाना है उसके कवर के अकॉर्डिंग आपने उसका इनर जो है वो आपने उसको मेजर कर लेना है। ये देखिए, ये थोड़ी सी इसकी लेंथ ज़्यादा है तो मैं इसको जिस टाइप सिलाई करूँगी तो मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। सिंपली हमने थ्री साइड इसकी कवर की हैं, उनको स्टिच कर लिया, सादा सिलाई लगा ली है और एक साइड पर जो है हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसको स्टिच कर लेंगे हाथ से सुई की मदद से। ठीक है, अब हमने इसके अंदर अपनी कॉटन फिल करनी है। ठीक है, ये देखेंगे मेरे पास ओल्ड कॉटन थी जो कि पहले थी, उसके बाद मैंने इसको पिंजे पर भेजा, पिंजवाने के बाद ये देखें इसकी शक्ल इस तरीके से हो गई है। तो आप उसी ओल्ड कॉटन को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप न्यू वन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 केजी कॉटन जो है हम यूज़ करते हैं सिरहाने की भराई के लिए। ठीक है, इसको आपने जब पिंजवा लेंगे उसके बाद आपने इसको किसी भी चारपे के ऊपर डाल लें और इस तरीके से आपने इसको बीट करना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह वो निकल जाएगी और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से हम इस सारी को जितनी हमने 1.5 किलो निकाली है अपने तकिए के लिए उस सारे को हमने इस तरीके से इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर ले रहे हैं ताकि इसके जितने भी ढेले जो बीच में बने हुए हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और इस पे चारपे पे करने से ये होगा कि इसकी जितनी भी मिट्टी है या इसके अंदर कोई गंद वगैरह है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस स्टेप पर आपको। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी हम उठाते जाएंगे और इसको इस तरीके से बिल्कुल सेपरेट हमने कर देना है। ये देखें, अब बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गई है और ये देखें अब इसमें ये देखें लेस सी बन रही है, ये चिपक रही है एक दूसरे को और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल इकट्ठी होके वो उसके ढेले नहीं बने हुए हैं। अब ये सारी हमने अपनी जितनी भी कॉटन होगी उसको सेम इसी मेथड से हमने पहले सॉफ्ट कर लेना है और उसके बाद हम इसको पिलो में फिल करेंगे। अगर आपका बहुत बड़ा तकिया हो तो फिर आप 2 kg पे जाएंगे, अदरवाइज 1.5 जो होता है इनफ होता है। बड़े तकिए में भी 1.5 ही यूज़ होती है, 1.5 kg, और अगर आप 1 kg पे जाएंगे तो ये होगा तो बिल्कुल बाद में बैठ जाएगा। ये देखिए, मैंने अपनी सारी कॉटन को सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए ये देखिए इतनी ही राइज अप हो गई है। अब मैं इसको अपने पिलो में जो हमारे पास इनर था या जिसे हम आम जबान में अंदरफ भी कहते हैं उसके अंदर इसको फिल करेंगे। ये देखें, थोड़ी थोड़ी पहले लेते जाना है हमने और इसके कॉर्नर्स को फिल करना है। ये देखें, कॉर्नर्स की तरफ लेकर जाएंगे और इसको हम फिल अप कर लेंगे। ये देखिए, सारी हमने कॉटन बीच में डालते जाना है और इसको फिल करते जाना है। इसी तरीके से हमने बस इसके अंदर कॉटन को सारी को फिल कर देना है। ये बहुत ही आसान है बनाना और इसमें देखिए जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर कॉटन कम है यानी ये अंदर की तरफ दब रहा है वहाँ पर हमने मज़ीद कॉटन दे देनी है। और इसको फिल करते हुए पहले थोड़ा सा मसला होगा इसलिए आप इसको दबा दबा कर अच्छे से फिल करेंगे। ठीक है, अगर आप लूज़ हैंड से इसको फिल करेंगे
तो क्या होगा, ये आपको ऐसे लगेगा कि जैसे तकिया जो है आपका वो फिल हो चुका है अच्छे से और इसमें मजीद कॉटन नहीं जा रही है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप उसको यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल ही बैठ जाएगा और उसमें बिल्कुल भी जान नहीं रहेगी और टूट जाएगा। तो इसलिए इसमें कपास को आपने अच्छे से प्रेस करने के बाद इसके अंदर फिल करना है। ये देखिए सारी हम अपनी कॉटन बीच में डाल लेंगे अच्छे से दबा दबा कर प्रेस करके। जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है तो जो पुराने तकिए वगैरह होते हैं तो आजकल आपको इजीली मशीन्स अवेलेबल होती हैं जहाँ पर ये आपको कॉटन को बिल्कुल रीन्यू करके आपको वापस करेंगे। तो आप अपनी ओल्ड कॉटन भेज के उसको बिल्कुल रीन्यू करवा सकते हैं और उसके बाद जो है आप न्यू कॉटन भी ले सकते हैं। आजकल सीज़न है, स्पेशली पाकिस्तान में आपको हर जगह अवेलेबल है, तो आप ये घर पर बना सकते हैं। ये देखिए अब हमने नीडल ले लेनी है और इसके अंदर अगर आपकी चॉइस है, ये आप सिंगल थ्रेड लेना चाहते हैं या आप इसको डबल करके इसको नॉट लगा लेंगे एक साइड से और उसके बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ये कवर जो था अंदर वाला इनर है जो ये बड़ा था लेंथ में, इसलिए मैं इसको बीच में से फोल्ड करूँगी काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ। और ये देखिए जहाँ से हमारी सिलाई है वहाँ से हमने इसको मिड निकालने के बाद सिलाई को सेंटर में रखना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर जैसे हम तुरपाई करते हैं उस मेथड से हमने इसके ऊपर स्टिच कर लेना है हैंड से ही। ये देखिए अब हमने ऊपर की तरफ से लेके आना है। ये देखिए ऊपर की तरफ से हम नीडल को एक तरफ से रखेंगे और दूसरी तरफ से निकाल लेंगे, बिल्कुल सीधा हम स्ट्रेट स्टिच नहीं दे रहे हैं इसे। ये देखिए मैं ऊपर की तरफ से रख के इसको और बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। ये देखिए सुई को घुमाकर ऊपर की तरफ से दे देंगे। इसी तरीके से कपड़े को अंदर देते जाएंगे और इसी तरीके से हम अपना स्टिच लगाते जाएंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से ये बनता जाएगा। ठीक है, इस सारे को हमने सेम इसी मेथड से इसका जो है इसको हम क्लोज कर लेंगे ऊपर से। ये देखें नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला आपको रज़ाई की जो कंप्लीट स्टिचिंग है जो हम कॉटन के साथ करते हैं जो प्योर हमारी हम लोगों में दी जाती हैं जहेज़ वगैरह में यूज़ होती हैं उसकी कंप्लीट स्टिचिंग बताऊंगी जिनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोग बाहर से स्टिच करवाते हैं तो उसका मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी, आपने उसमें कितनी कॉटन यूज़ करनी है, किस तरीके से उसकी प्रॉपर स्टिचिंग होती है। जो हम बाज़ार से करवाते हैं वो स्टिचिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती है और उनके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप ये सब काम अपने घर पर खुद कर सकती हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग वर्क है लेकिन बहुत अच्छे से हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसका जो है ऊपर से जितना भी था कपड़ा उसको अंदर दे के इसको कंप्लीट स्टिच कर लिया है। थ्री साइड्स हमारी पहले से स्टिच थी जबकि फोर्थ साइड को हमने नीडल के थ्रू इस तरीके से स्टिच किया है। अब ये देखिए हमने सबसे पहले इसके कॉर्नर्स फिल करनी है क्योंकि ऊपर वाले हमने अब स्टिच किया और कॉटन को काफ़ी हमने अंदर की तरफ प्रेस किया हुआ था। अब हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे, नीडल को अंदर डालेंगे और नीडल से ही हम प्रेस करके कॉटन को कॉर्नर की तरफ ले आएंगे। ये देखें सारे कॉर्नर्स को हमने सेम इसी तरीके से पहले फिल कर लेना है। ये देखिए नीडल को अंदर करके आगे कॉर्नर की तरफ हमने इसको धकेलना है। सारे कॉर्नर्स हम सेम इसी तरीके से प्रेस कर लेंगे अच्छे से, कॉटन को इधर ले आएंगे। और ये देखिए ऊपर जो इसके कॉटन लग गई है इसको इस तरीके से जब आप हाथ से करेंगे, जब इसे प्रेस करके आगे पीछे करेंगे तो ये खुद ही से उतर आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉन का स्टफ़ यूज़ किया है
तो लॉन के साथ कॉटन जो है वो बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, तो हम इसके ऊपर हाथ से जब आगे पीछे इसको प्रेस करेंगे तो ये सारी की सारी कॉटन इकट्ठी होकर उतर आएगी। अब ये देखें जो इसकी शेप भी बिल्कुल भी आउट हुई हुई है, कहीं से कॉटन ज़्यादा है कहीं से कम है। इसके लिए आपने क्या करना है, इस डंडे को आप सब लोग जानती होंगी, ये हम लोग किचन में यूज़ करते हैं कूटने के लिए चटनी वगैरह, ठीक है। ये आपने डंडा ले लेना है और इसके साथ आपने इसको खूब इसकी पिटाई लगानी है। ये देखिए इसको हमने अच्छे से बीट करना है, जहाँ से आपको कॉटन ज़्यादा लगेगी उसको आपने दूसरी तरफ लेके जाना है जहाँ पर कॉटन कम है, ठीक है। ये देखिए मैं अपने इस डंडे की डायरेक्शन उस तरफ रख रही हूँ जहाँ पर कॉटन कम है, ठीक है। ये हम पुश कर रहे हैं कॉटन को टुवर्ड द लोअर पार्ट्स। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको अच्छे से बीट करना है, ये बिल्कुल शेप में आ जाएगा। और ये जो आपको इतना भरा भरा सा लग रहा है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। ये देखिए जहाँ पर हमें महसूस हो कि यहाँ पर कॉटन कम है या किसी जगह से ऊंची है और किसी जगह से नीचे है, आपने सेम उसी डायरेक्शन में इसको बीट करते जाना है। ये देखिए यहाँ पर ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसके ऊपर हम सेकंड कवर करेंगे और उसके बाद थर्ड, ठीक है। पिलोस पर हमेशा 3 कवर्स लेकर आया करें, एक उसका अंदर, एक उसके बाद सेकंड इनर और उसके बाद ऊपर का रियल कवर। ये देखें आई होप आपको अच्छे से हर बात की समझ आ गई होगी। अगर कुछ मज़ीद पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।